हेलो दोस्तों, आप सभी को टार्जन एचडीआर में स्वागत है। और मैं उतरा ऑल्ड बेसिन पे और यहाँ पे देखता हूँ हेलवेट वेस्ट और उतरते ही M4। इतना लकी तो हर कोई नहीं होता। आज पता नहीं इतने लक कैसे काम करी और एक ही M4 सारे मिल जाते हैं, बस वेस्ट की बाकी रहती है। खैर वेस्ट ढूंढता हूँ लेकिन यहाँ पे कोई बंदा उतरा नहीं रहता है। लेकिन हम सोचे कहाँ जाएँ यार, तब तक इधर उधर भटकता हूँ, तब तक देखते गाड़ी भर के लौंडे आ जाते हैं विस्टा साइड से। और ये उतर के पता नहीं भैया, मतलब ऑलोवेशन खाली थोड़े है और ये एकदम हमारे लौंडे को दौड़ दौड़ के खोज रहा था। मैं इधर से कवर लेके दिया, तब तक एक लौंडे का तो गाड़ी पे आग लगा दिया था पूरा यार, दो चार मिनट में फट ही जाती पता नहीं। और ये देख भैया, हील कर रहे हो, तुम्हारी बूस्टर ही निकाल देते और दोनों किल मेरे खाते पर आता है। और मैं सोचा फटाफट लूटूँ यहाँ पे S12 के वेल के है तो कहीं उठाऊँ, लेकिन नहीं। तब तक देखते भैया इनके लौंडे सुपर एंट्री मारते हैं एकदम बग्गी लेके और गलत जगह पे रोकता हुआ और इनको एक डाउन कर दिया। भाई ऐसे थोड़े होता है यार, मेरे सामने रोक दोगे और मैं मारूंगा नहीं, एक को तो डाउन कर चुका था। और भैया S12 के लेके आ चुके हैं लौंडे जो डाउन किए जा रहे हैं, पता नहीं एकदम फटाफट हमारे दो लौंडे को डाउन कर दिए एक लौंडे ने। कहा भैया का खा के मार रहे हो। खैर जैसे तैसे इनको तो निपटा ही दिए, अब पहुँचे इनको फटाफट रिवाइव करेंगे, कहीं और लौंडे आके रश कर दिए तो ठीक नहीं होगा। और इनको रिवाइव करने लगे तब तक तो कोई बंदे नहीं आए थे और मैं इधर उधर देख रहा था कि कहीं से कोई और लौंडे है, तो देख रहे एक लौंडा उधर से दिख रहा है तो बोले भैया पम्मी वाला ड्रेस ओ तेरी। थोड़े बहुत लगे दो चार बुलेट, पता नहीं कितने डैमेज है। खैर मैं सोचा कि अपने पास तो S12 के आ गए, जाते हैं उनके कपार फोड़ते हैं। खैर अपने पास M4 की गोली 5 की कम थी तो पता नहीं यार, तब तक देखते हैं इधर उधर लौंडे, पता नहीं एक नहीं दो तीन लौंडे हैं तो अकेले जाना सही नहीं रहेगा, S12 के रहे या कुछ भी रहे। और वो लौंडे ने पम्मी वाला ने हमारे बंदे को नॉक कर दिया यार, दो नंबर को। क्या कर रहा है भैया दो नंबर, अब सोचे क्या करें, उनको रिवाइव करने जाएँ कि उधर जाएँ, हमारे पास गोली भी कम है, मारे कैसे। तो दो नंबर को सोचे यार रहने देते, तीन नंबर को बोला कि यार रिवाइव कर, इन लौंडों को पहले देखते हैं। और इन लौंडा का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे था और इनको रास्ते पे ही मार के गिरा दिए, इनको पता नहीं था कि मैं कंटेनर के पीछे हूँ। खैर उनका एक लौंडा देख रहा था और मेरे M4 में गोलियाँ ख़त्म। आप सोचे हम क्या करें, तब तक देखते एक लौंडे को तो फिनिश कर देता है तीन नंबर, हम बोले जाके इनको रिवाइव करते, देखते तीन नंबर आ रहा है रिवाइव करने के लिए, इसलिए मैं सोचा अब जाके उन लौंडों को ही मारूँ जो एक बचा था। इसने स्मोक कर दिया था, उनको अच्छा खासा डैमेज दे दिया था और मैं कवर, और वो उनके पास भी पता नहीं किस चीज़ की कमी थी, वो भी पेटी लूटना चाह रहा तो पेटी लूट भी रहा है। और अपने पास M4 की गोली ख़त्म थी तो रोड पे ही मार के गिरा देते। अब S12 के निकाला हाथ पे, तब तक देखते गाड़ी और आ जाती है, ये गाड़ी को बोले जाने देते, तब तक इस लौंडे को देखते हैं और इनको S12 के से भम भम स्वागत करेंगे और झुका दिए इसको ज़मीन पर, और ज़मीन पे झुका दिए। और गाड़ी वाला किधर गया, गाड़ी वाला खैर निकल लिया यहाँ से पतली गली से, क्योंकि पता था लौंडों को कि इसके पास S12 के चल दिए। खैर उन लौंडों को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था और इनके पास एक्सटेंडेड मैग सब कुछ लूट लिया। और इस घर पे छत पे कब आके घुस गया लौंडे, पता नहीं इस घर पे कब आके लौंडे घुस गए। ये लौंडा का देखो, ये हमको मारने पर लगे, भैया बंदे वहाँ हैं और ये कौन है भाई, सो के है। हम सोचे अब घर वाला के बारी है, दो दो बंदे दिख रहे थे यार तो थोड़े टेंशन हो रहे थे, अकेले घुसने में बन नहीं रहा था। तब तक देखते हैं हमारे एक बंदे ने दिया एक को ठेर के, पता नहीं किधर किधर ठेला नहीं ठेला, आप बोले सीधा घुस ही जाते हैं। और ये उजी लेके देख रहा था हमको सीढ़ियों पे और इनको S12 के से दिया भम। और फाइनली यहाँ पे लास्ट बंदा बचा रहता है और वो बंदा भी लोकेट हो ही जाएगा। और ये बंदा लोकेट होता है देख रहे हो, सारे लौंडे MK और क्या क्या लेके दौड़ रहे हैं मारने के लिए, भैया हमको किल दे दे। और लास्ट में मार दिया किसने पता नहीं। और यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार।